हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ द मून जैसा कि आप लोग जानते हो कल हम मून की सरफेस या मून के जो फीचर्स uh, हैं कल उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और कल हमने अपना जो टॉपिक है एक शुरू किया था लाइफ ऑन मून मून के ऊपर लाइफ है या नहीं है तो हमने उसके कुछ फीचर्स पढ़े थे आज हम उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कल हमने पढ़ा था कि आ, मून के ऊपर कोई लाइफ नहीं है क्यों क्योंकि लाइफ आ, मून के ऊपर ना तो एयर है और ना ही वाटर है ये दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए लाइफ के लिए जैसा कि अर्थ के ऊपर है एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट हैं इसीलिए हम लोग जीवित हैं लेकिन मून के ऊपर इस तरह की कोई चीज़ नहीं पाई जाती ना एयर ना वाटर इसके अलावा मून पर कोई फ्यूरा और फ्यूना कोई प्रेजेंट नहीं है यानी कि कोई ना एनिमल है ना कोई वनस्पतियां यानी कि पेड़ पौधे कुछ नहीं है तो वहां पर जीवन संभव नहीं है अब आगे देखिए द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज मच वीकर देन दैट ऑफ द अर्थ यानी कि जो मून का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अर्थ से बहुत ही वीक होता है कमज़ोर होता है कम होता है आप लोगों को पता है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स अर्थ का बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए अर्थ जो है हर चीज़ को हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है इससे पहले वाले चैप्टर में हमने जब पढ़ा था ग्रेविटेशनल फ़ोर्स के बारे में तब मैंने बताया था आप लोगों को कि अर्थ जो है हर चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित करती है खींचती है जैसे हम कोई बॉल ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है क्यों क्योंकि अर्थ के अंदर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसे नीचे की तरफ खींचता है इसी प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर जो फ्रूट्स वगैरह लगते हैं वो भी हमेशा नीचे की साइड ही गिरते हैं क्यों क्योंकि जो है अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचता है लेकिन मून की अगर हम बात करें तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ही कम होता है बहुत ही वीक होता है मून हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित नहीं करता द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून इज मच वीकर देन दैट ऑफ द अर्थ अर्थ की अपेक्षा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स मून का बहुत ही वीक होता है कम होता है अबाउट वन सिक्स ओनली केवल वन सिक्स होता है ओनली अर्थ का वन सिक्स वी कैन इजिली लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट्स देयर हम वहां पर यानी कि अर्थ की सरफेस पर कितना भी भारी से भारी ऑब्जेक्ट को आराम से इजीली उठा सकते हैं और हमें जो उसका वेट है उसका वेट जो है हमें वहां पर फील नहीं होगा अगर हम यहाँ पर कोई भारी चीज उठाते हैं तो हमें वो बहुत भारी लगती है हैवी लगती है क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ आकर्षित करती है लेकिन मून के ऊपर ये है ही नहीं ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज्यादा तो मून किसी चीज को अपनी तरफ आकर्षित करेगा ही नहीं तो जो भी वहाँ पर हैवी चीज होती है अगर हम उनको उठाते हैं तो हमें उनके अंदर वेट नहीं लगेगा ज्यादा ठीक है और हम हैवी वेट को भी इजीली उठा सकते हैं आप लोग अपनी बुक में ये मून की सभी पिक्चर्स जो दी गई है मून सरफेस मून क्रेटर्स रॉकी प्लेन्स ऑफ मून ये सभी पिक्चर्स को एक बार ध्यान से देखेंगे आगे देखिए दिस वीक ग्रेविटेशनल फोर्स कैन नॉट होल्ड द एटमोसफियर इसी कारण ये जो वीक वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स है इसीलिए वहाँ पर एटमोसफियर नहीं है क्योंकि एटमोसफियर वीक ग्रेविटेशनल फोर्स में नहीं एग्जिस्ट कर सकता क्योंकि जो वहाँ का ग्रेविटेशनल फोर्स है एटमोसफियर को होल्ड नहीं कर सकता वन कैन नॉट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द हार्मुल रेस ऑफ द सन एंड मेटीयोर्स हीटिंग द मून इन द एबसेंस ऑफ एटमोसफेयर अगर कोई भी वहाँ पर रहने की कोशिश भी करता है तो वह व्यक्ति अपने आप को खुद को सन की हार्मफुल रेज से जो हानिकारक रेज निकलती है किरणें निकलती हैं सन से एक तो उनसे नहीं बचा पाएगा वो डायरेक्टली उसके ऊपर पड़ेंगी और जो मेटियोर्स होते हैं मेटिओस यानी जो बड़े पत्थर होते हैं जो आसमान से स्काई से पत्थर गिरते हैं उल्का पिंड गिरते हैं तो उनसे भी जो है अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे द साइड ऑफ द मून विच फेसिस सन इज वेरी हॉट जो मून की जो साइड सन की तरफ होती है वो बहुत ही हॉट होती है एंड द अपोजिट साइड इज एक्सट्रीमली कोल्ड और जो साइड मून की तरह सन की तरफ नहीं होती है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है तो इसलिए वहां पर जीवन जो है संभव नहीं है